नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौवंशों के बारे में लाख दावे कर ले, लेकिन उसके अधिकारी अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते सैकड़ों गायों की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या कर रहे हैं। गौशालाओं में जो हालत है गायों की, उससे तो बेहतर है कि वो सड़कों पर ही नजर आती। तो आज इसी पर चर्चा है कि क्या जिस कदर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गायों को लेकर बजट भी पास करते आए हैं, साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने को कहते रहे हैं कि गौशालाओं का हाल दुरुस्त किया जाए, गायों को चारा संपूर्ण रूप से दिया जाए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और जिस तरह से गायों के रखरखाव के लिए जो बड़े बड़े बजट पास होते हैं, उस बजट पर जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है, इस पर भी आज हम सवाल उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आप नजर डालिए हमारी इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भले ही गाय प्रेम में जी भरकर बजट लुटा रहे हों, लेकिन सरकार के नौकरशाह गाय को चारा और पानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। प्रदेश के रायबरेली में सरकारी गौशालाओं में गाय लापरवाही के चलते भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं, और उन मरे जानवरों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। बेजुबान गायों को गौशाला में नोच नोच कर पशु पक्षी अपनी भूख मिटा रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर महाराजगंज रोड पर स्थित गढ़ी खास गौशाला का है, जहां गायों को चील, कौवे और कुत्ते खा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि गौशालाओं की इस बदतर हालत पर सरकारी कारिंदे मौन हैं। ग्रामीण यहां की गौशालाओं के बारे में एक एक कर सच बता रहे हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी गौशालाओं का यही हाल है, लेकिन प्रशासन ने मृत गायों को गौशाला में दबा दिया है। और जब प्राइम टीवी ने जिम्मेदारों से इस पर जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। रायबरेली के गांव गढ़ी खास की गौशाला में जो नजारा कैद हुआ, सच मानिए वो आपको झकझोर कर रख देगा। उसे देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। प्राइम टीवी के लिए रायबरेली से ओम शंकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, गोवंश को बचाने के लिए अरबों रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस समय हम जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ी है खास में एक गौशाला में मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति कुछ और बयां कर रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं यहाँ पे कि गायों की स्थिति इस कदर बद से बदतर है कि यहाँ पर ना कोई डॉक्टर है ना कोई व्यवस्था है। हालात इतने भयावह हैं कि इनका पूछने वाला कोई भी नहीं है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो आगे भी दिखाएं। यहाँ झुंड में गायें खड़ी हुई हैं, हालांकि इन्होंने जानवरों के खाने की व्यवस्था तो की है, लेकिन इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर समय से आते नहीं हैं, और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने सीधे जिलाधिकारी के ऊपर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है, और गोवंश इसी तरह तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं। देखना है इन जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति शासन क्या कार्रवाई करता है, या इसी तरह गोवंश बचाने के नाम पर बंदरवाट होती रहेगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी। तो लगातार गौशालाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई। हालांकि जिस दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने, उसके बाद से ही लगातार वो गायों को लेकर विशेष दर्जा देते आए हैं और लगातार चिंता भी जताते आए हैं। जिस तरह से अन्ना गाय और आवारा जो पशु हैं उनको लेकर कि लोगों की फसलें भी बर्बाद होती, उसको लेकर भी लगातार चिंताएँ बढ़ती रही हैं, और कई तरह की योजनाएँ भी चलाई गई और काफ़ी बड़े बजट भी पेश किए जाते हैं उनके चारा पानी के लिए। लेकिन जो आपने रिपोर्ट देखी उसमें ये स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। तो आज पर चर्चा है कि जिस तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं, क्या वो जमीनी स्तर पर उतना ही प्रभाव छोड़ रही है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा से पक्ष रखेंगे विवेक पांडे, साथ ही साथ बीजेपी विधायक हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है, जिस तरह से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि गायों की देखरेख के लिए हमने बजट पास किया है, और
किया भी जाता है बजट पास, लेकिन वो क्या बजट कहीं और बढ़ जाता है, ना कि ग्रामीण लोगों को या जो गौशालाओं का रखरखाव करते हैं उनको ना देने के बजाय? मैडम पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह नहीं हूँ, धीरेन्द्र बहादुर सिंह हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा। आप वोट करने पर रिकॉर्डिंग कर लिया करिए ना कीजिएगा। हमारे बताने वाले जो इनपुट है उन्होंने थोड़ा आपका नाम शायद तक उन्हें मिस्टेक हो गई होगी, तो इस वजह से मुझसे मिस्टेक हो गई, माफ कीजिएगा। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जिस तरह से हमने बाराबंकी का भी हाल देखा और लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रहती है कि गायों को लेकर गौशालाओं में पूरा वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, तो क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है? अभी कल ही आप लोगों ने बताया था कि एक गाँव मावा ब्लॉक में है, उसमें कुछ गायें बीमार मार हुई थी, तो उसमें मैंने जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता किया, तो जिलाधिकारी ने बताया गाय जो बीमार थी उनका इलाज हो गया, कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है फिलहाल। ठीक है धीरेन्द्र जी, लेकिन आपने उस पर कार्रवाई की है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लगातार हम इस तरह की खबरें देखते रहते हैं कि गौशालाओं में गायों की मृत हो जाती हैं, गाय उनको उठाने के लिए कोई वहां पर नहीं पहुंचता, अगर वहां के जो रखरखाव के लिए जो वहां पर इंसान मौजूद होता है अगर उनसे पूछा जाता है तो उनके पास भी कोई इसको लेकर उत्तर नहीं होता है, तो इस तरह की अव्यवस्थाएं क्यों लगातार सामने आ रही है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसहारा गौवंश के लिए सहभागिता योजना तक चलाई? वैसी जहाँ जानकारी मिलती वहाँ पर कार्रवाई होती है, और वैसे भी हमारी सरकार गायों के संरक्षण के लिए गौशालाओं निर्माण करा रही, रख रखाव खाने पीने की व्यवस्था सब कराई जाती है वहाँ पर, लेकिन जब मानव मनुष्य बीमार हो सकते हैं जानवर भी बीमार हो सकते हैं, जहाँ बीमार होते हैं उनका इलाज कराया जाता है, और मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो और उनसे कोई ध्यान न दिया जा रहा हो। विवेक जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि मेरे उसमें कुछ नहीं है, कि ऐसी खबरें आ रही हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नहीं इस तरह का कोई हाल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर जो हम नजारे देखते हैं जिस तरह से गौशालाओं का हाल है? देखिए कीर्ति, मंच को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, और हमारे जो विधायक जी हैं इनकी तो चलिए ठीक है, अब इनको ना दिखाई दे ना सुनाई दे तो इनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता है हालांकि ये वहां पे अपने क्षेत्र के और जनता से काफी जुड़े रहते हैं, लेकिन अब यह है कि इस समय जो पार्टी में इनके उठा पटक की स्थिति है उसमें सही बोलना भी मुश्किल है। भाई इन्हीं के एक विधायक का वीडियो था कि भाई कार्रवाई हो जाती है। बहरहाल विषय पे आता हूं मैं। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गोवंशों की स्थिति है, आप चाहे बांदा की बात करिए, चाहे आप उन्नाव की बात करिए, चाहे आप चित्रकूट की बात करिए, कई जगह पे गोवंशों का इस तरीके से जो दुर्गति दिखाई दी है कि कई बार जिंदा गायों को कुत्ते नोच करके खाते हुए दिखे। ठीक, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, पूरे जनपद में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 19 और 20 के बजट में पशु कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने आवंटित किया था, आश्रय स्थल तैयार करने और रखरखाव के लिए 250 करोड़, और शहरों में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था गोवंशों के लिए। अभी हाल ही में सीएम योगी ने 700 हेल्प डेस्क भी आदेश किए थे कि गोवंशों के रखरखाव के लिए 51 ऑक्सीमीटर और 541 थर्मल स्कैनर थे उसमें जी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये 700 हेल्प डेस्क कहाँ गए, इसका जो फंड था या बजट आया वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से, क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश में इस सरकार में खास करके जो दुर्गति और दयनीय स्थिति गोवंशों की दिखाई देती है, सड़कों पर आज भी आवारा सांड या गोवंश खुले आम घूमते पाए जाते हैं। सितंबर 12-19 की मैं बात बताऊं तो लखनऊ में ही 24,940 आवारा गौवंश पकड़े गए थे, जिसमें केवल मात्र और मात्र 9,089 कानों पर टैग लगाए गए थे। तो कहने का मतलब है कि दावों से देखिए हकीकत नहीं बदलती। और एक चीज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, गौवंशों की स्थिति इससे भी बदतर ही रहेगी। कीर्ति मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से साबित कर देता हूं, क्योंकि आखिरी पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती 1,198 पदों पे, जिसमें कि 1,005 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, वो आई थी 2014 में। उसके बाद आज तक क्या इन्होंने कोई भी पशुधन अधिकारी की भर्ती की, और जो भर्ती आई थी हालांकि वो भी जांच और भ्रष्टाचार के दायरे में लटका दी गई। ठीक है, ट्रेनिंग दे करके चयन करने के बाद 17 मंडलों में चयन हो गया, बाकायदा पदस्थ कर दिए गए, उसके बाद उस पर जांच लगा दी जी। तो आप जब उस विभाग से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को ही नियुक्त नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए दुर्गति, अभी आपको तो एक बात पता ही नहीं होगी, मैं इस प्रदेश की जनता के सामने रख दूं, मथुरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वेटरनरी कॉलेज मथुरा,
जिसमें कि आज भी मथुरा में फार्मेसिस्ट और जो वहां के डिप्लोमा धारक बच्चे हैं उनके लिए तो नियमावली ही नहीं बनी है, उनका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, वो तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात करते हैं गोवंश बचाने के लिए, गोवंश बचाने के लिए अब MBBS या MD डॉक्टर तो जाएगा नहीं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपके पास इन तमाम बातों का कोई जवाब है? जिस तरह से आपने कहा कि मेरे संज्ञान में इस तरह के कोई मामले सामने नहीं आते, तो आपके सामने तो सपा के पक्ष रखने के लिए विवेक जी ने पूरे तमाम आंकड़ों के साथ हर चीज बता दी। नहीं, मैंने अभी आपको बतलाया था जिनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, कई बातों मुझे भी नहीं आ रही है कीर्ति, तो इन्होंने क्या पक्ष रखा मैं सुन नहीं पाया। चलिए ठीक है, वो ये लगातार कह रहे हैं कि 200 से ऊपर करोड़ रुपए का बजट पास किया जाता है, उसके अलावा जो गौशालाओं का हाल है उसको लेकर भी कई तरह की नाकामियां लगातार सामने आती रही हैं। अब ये जो भी इनको जानकारी हो जहाँ की शिकायतें इनके पास हो, तो मैं 19-20 में पशु कल्याण का 600 करोड़ का बजट है कि बताइए, हम तक भी भिजवा देंगे तो मैं 19-20 का बजट है पशु कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपए उसमें प्रावधान किया गया है। जनपद में कोई ऐसी बात नहीं। जी धीरेन्द्र जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिनके पास जो जानकारी हो कि कहाँ पर काम ठीक नहीं हो रहा, कहाँ गायों की दिक्कत आ रही गौशालाओं में, उसकी जानकारी जो हमको भिजवा देंगे कष्ट करके। फिलहाल अभी मेरी जानकारी में कल प्रकरण आपने दिया था, तत्काल मैंने जिलाधिकारी को निर्गत कराया। तो वो तो बता रहे ना 19-20 में 600 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाता है गौशालाओं के लिए, चारा और उनके पानी और रखरखाव के लिए, लेकिन वो कहाँ है? क्योंकि व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हमें कहीं से नहीं दिख रही, या तो आप देख नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं हम देख रहे हैं सब, जो बजट पास होता है वो बजट विभाग वाज लगता है, कोई जिला पंचायत से गौशाला बनी है, कोई PWD विभाग से बनी है, उसके संरक्षण काम भी वहाँ की कमेटी को दिया जाता है, जो इनकी जानकारी में हमको जरा भिजवा देंगे तो हमारे जनपद में जो होगा वो दिखवा लेंगे। नहीं तो वो भिजवाएंगे तब आप दिखाएंगे। विवेक जी वो कह रहे हैं कि आपके पास जो भी अगर ऐसी खामियां आपको दिख रही हैं तो आप हमें भिजवा दीजिए, हम उस पर देख लेंगे ना, मतलब कि आपके भेजने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमने खबर दिखाई उसके बाद इन्होंने संज्ञान लिया, उसके बाद आपके भेजने के बाद नहीं, ठीक है मैं मान रहा हूँ। इनसे ये पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश वेटरनरी का नियमावली अभी तक तैयार नहीं किया हुआ है, वो बच्चे जिन्होंने पशु चिकित्सा की डिग्री ले रखी है, सर्टिफिकेट ले रखे है, वो बच्चे काम कैसे करें जब उनको आप मान्यता ही नहीं दे रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे 200-200 रुपए पर विद्यार्थी पैसे अलग ले लिए, अभी तक नहीं निकल के 800-900 विद्यार्थी पास आउट हो चुके जो बेरोजगार बैठे हैं। बिल्कुल उनकी नियमावली के लिए 2 साल का समय मांगा है सरकार ने, अब बताइए नियमावली 2 साल में नियमावली बनेगी? बिल्कुल धीरेन्द्र जी आपको आवाज विवेक जी की नहीं मिल पा रही, लेकिन मैं आपको विवेक जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही, पहले भी नहीं आ पा, अभी भी नहीं आ पा रही। ठीक है मैं आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं उनका इनसे पूछे उत्तर प्रदेश वेटरनरी एसोसिएशन का अभी तक नियमावली तैयार नहीं है, पशु चिकित्सक कैसे बनेंगे बच्चे जब उनको आप डिग्री नहीं देंगे, सर्टिफाइड जो पशु चिकित्सक जिन बच्चों ने उसकी पढ़ाई करी है उनकी नियमावली अभी तक नहीं स्पष्ट की गई है, ऐसा क्यों? वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो पढ़ाई करके अगर उन्हें आगे नौकरी के लिए उनकी नियमावली नहीं नियुक्ति की जाएगी तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी उसका आदेश हुआ है, आदेश हुआ है? नहीं कोई आदेश नहीं हुआ है, 2 साल का समय मांगा है, एफिडेविट दिया गया है, 2 साल का समय मांगा है, जो भी आदेश निर्गत होगा कोर्ट में एफिडेविट दिया है कीर्ति, जिसमें 2 साल का समय मांगा गया है नियमावली बनाने के। देखिए जो इस तरह के है अभी तक फिलहाल नियमावली नियुक्ति नहीं की गई, और किस तरह के आदेश पारित किए गए ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि लगातार जो अगर हम इस चीज की बात करें तो इस पर हमें नहीं लगता कि अभी तक कुछ हुआ है, लेकिन अगर गायों की और गौवंश की अगर हम बात करें उस ओर ध्यान दें तो उस पर भी कोई अभी तक पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई हैं। अरे हम तो गायों का संरक्षण भी कर रहे हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं? दिक्कत तो यही है ना कि शायद तक आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप सत्ता में उस आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं क्योंकि आप सत्ता के खिलाफ नहीं जा सकते। बांध के नहीं बैठे हैं हम, किसी की जान बचाने का काम करते हैं, किसी की जान लेने का काम हम लोग नहीं करते धीरेन्द्र जी, लेकिन जो गायों की मौतें हो जाती हैं और जो आप लोग ने कहा था कि 900 रुपए महीने दिया जाएगा जो गौशाला जो ये गायों को जो भी देखभाल करेंगे उनको महीने 900 रुपए महीने दिया जाएगा, उस पर भी अभी तक जाता है, आप बताइए कहाँ पर नहीं दिया गया, उसके बावजूद ये हाल है? अगर आप दे रहे हैं, अगर आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका जो बजट पास हुआ है वो सब जगह जा रहा है, वो दिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर ये हाल है तो ये हाल तो बेहद ही बेकार है। अगर उसके बावजूद जागरूक करने के लिए हमारी सरकार 900 रुपए दे रही है कि आप गाय को पालोगे तो उसका रखरखाव 900 रुपए महीना आपको मिलेगा, तो उसमें लोग आगे आगे आए, समाज के लोग आगे आए, इसके लिए सरकार प्रेरित कर रही है। ठीक है
ठीक है विवेक जी, आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उस पर लगातार काम किया जा रहा है और हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई कमी मिल रही है। देखिए कीर्ति, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस सरकार की सबसे बड़ी दुविधा वाली समस्या क्या है, ये अर्थशास्त्री को तो जैसे आरबीआई में गवर्नर बना देते हैं, या उस तरीके से देखा जाए तो जिसको जिस कार्य का अनुभव नहीं है उसको उस विभाग में खुश करने के लिए मलाईदार पोजीशन पे बिठा देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, गौशालाओं का संचालन कौन करता है? ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव के बाद ग्राम प्रधानों की स्थिति बनी हुई है, या जिस तरह से शपथ समारोह उनका लेट होते जा रहा है, गौशालाओं की स्थिति तो बदतर होनी है। पिछली बार आपने चुनाव जैसे 6 महीने के टाल दिए, ठीक है कोई बात नहीं है, वो एक कोविड की महामारी की बात थी तो उसमें आपने टाले, कोई बात नहीं, लेकिन उनको जैसे ही आपने टाला, इन वेटरनरी से पढ़े लिखे बच्चों के लिए आपने कोई व्यवस्था की? आपने इनको तत्काल उस जगह पर पे, मैं कहता हूँ संविदा पे ही इनको नियुक्तियां दे दी होती। भाई वेटरनरी अगर पशु चिकित्सा करने कोई एमडी डॉक्टर एमएस तो आएगा नहीं, या कोई अपोलो अस्पताल से या आप वेदांता से तो किसी को बुलाएंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो उस क्षेत्र का शिक्षित विद्यार्थी है उसको आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दे रही है सरकार, बोल रहे हैं वो, उस पर आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब ये है कि आपका कहना है कि जिसको जानकारी है उसको विभाग का मंत्री या अधिकारी बनाया जाता है, तो आपके विभाग में, आपके सरकार में कौन कौन मंत्री किस विभाग की जिम्मेदारी संभालते थे? माफ कीजिएगा, आखिरी बार पशुधन चिकित्सा की भर्ती हमारी सरकार ने ही की है, आप बता दीजिए आपके आपकी सरकार में अगर एक पशुधन चिकित्सा की किसी की भर्ती आपने की हो? मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको आंकड़े देने के लिए तैयार हूँ, मैं जानता हूँ किस तरह राज्यसभा से आप लेकर के हर क्षेत्र के लोग ले आते हैं और यहाँ। लेकिन धीरेन्द्र जी, जिस तरह से गौशालाओं का हाल है उस पर तो आप बोलेंगे ना, आप लगातार ये चीज कह रहे किस तरह के हाल नहीं है। आपसे मैं कह रहा हूँ, कल ही आपने मुझको बताया, आप जिलाधिकारी रायबली से पूछ लीजिएगा, आपका फोन था, मैंने तत्काल उनको फोन किया है कि गढ़ी खास गाँव में ऐसी सूचना मुझको प्राइम टीवी के द्वारा मिल रही है। बिल्कुल आपने ये चीज करी, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने हमारी खबर का संज्ञान लेके आपने तत्काल इस पर कार्रवाई करी, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो नजारे देखते हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे गौशालाएं हैं जहां पर गाय बेहाल है, चारा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, तो उसकी व्यवस्था कब तक दुरुस्त की जाएगी? मैंने व्यवस्था दुरुस्त किया, कहीं कहीं कमियां मिलती है, कमियां मिलती है कार्रवाई होती है, लेकिन अब एक तरफा हम कह दें कि नहीं सब गायें हर जगह बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है तो इस बात को नहीं मानूंगा। ठीक है विवेक जी, आप अब तो कार्रवाई तो फिलहाल उन्होंने की है, ये बात तो हम मानते हैं, तो आप उस कार्रवाई को लेकर तो कुछ कहेंगे ना कि हमारी खबर को दिखाने के बाद उन्होंने इसका, मैंने तो शुरुआती अपने स्टेटमेंट को मैंने तो अपनी बात रखते ही कहा था कि विधायक जी का जो प्रभाव है क्षेत्र में वो जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैंने तो ये भी कहा, मैं तो कह रहा हूँ ना कि इनके साथ सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये वो जनप्रतिनिधि है जो कि जिम्मेदारों के दायरे में आते हैं। भाजपा में सबसे बड़ी समस्या है, इनकी बात करिए, ब्रजेश पाठक जी की बात करिए, कौशल किशोर, कुछ ही ऐसे नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव आते हैं अक्सर डिबेट में, ये कुछ ही ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं और जिनको महत्वपूर्ण पदों पे होना चाहिए था उनको तो आपने विधायक बना के बिठा दिया या नजरअंदाज करके इनके कैडर ने बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो विपक्ष में होकर स्वीकार कर रहा हूं कि विधायक जी के ऊपर तो मैंने सवाल ही नहीं उठाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि पशु का इलाज साउंड में शायद थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, मुझे आवाज, आप मान्यता नहीं दे रहे हैं तो उनका इलाज कैसे होगा? जमीनी स्तर पे जो कमी है वो तो यहीं पे आ जाती है। धीरेन्द्र जी का ऑडियो मुझे सही से नहीं मिल पा रहा है। धीरेन्द्र जी, मैं जिस तरह के, ठीक है, सत्ता में आप हैं और अभी फिलहाल चुनाव को लेकर भी कुछ ही महीने बाकी हैं, तो उसको लेकर भी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की जो आप व्यवस्थाओं की बात करते हैं वो जमीनी स्तर पर सही तरीके से सुचारू रूप से चल रही हों। इसमें अपने हितों का संज्ञान आपने बतलाया है तो इसका मैं संज्ञान लूंगा, और जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं जनपद में उन सबकी मैं जिलाधिकारी से टीम बना करके कहूंगा कि जांच करिए, कहीं भी अव्यवस्था पाई जाए तो तत्काल संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, इसकी मैं जांच करवाऊंगा। कोई काम नहीं हुआ है गौशालाओं में और थोड़ा अच्छी नहीं लगती है।
विवेक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं और बीजेपी विधायक का भी कहना था कि हमने आपकी खबर को प्रमुखता से संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई की है, और हालांकि जिस तरह से गौशालाओं के हाल है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना मुंह मोड़ती नजर आई, लेकिन देखना अहम होगा कि हमारी खबर को दिखाने के बाद और उनको जगाने के बाद क्या गौशालाओं का हाल में सुधार होता है कि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम टीवी।